मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी मौसम खराब होने के बाद भी यहाँ उपस्थित हुए। इस बात से साफ ये पता चलता है कि हमारा गोंडा जनपद विज्ञान के क्षेत्र में द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप अपने लिए एक ताली बजा दीजिए कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी मौसम बिल्कुल विपरीत है, फिर भी हमारे बाल वैज्ञानिक जैसे भारत की सीमा की रक्षा के लिए सैनिक प्रतिकूल परिस्थिति में खड़े होते हैं। जैसे चंद्रयान या कोई भी उपग्रह ऊपर भेजा जाता है, कोई सैटेलाइट भेजा जाता है, तो वैज्ञानिक ये नहीं देखता कि कब दिन है और कब रात है। अभी COVID-19 के दौरान आपने देखा होगा कि सभी का वैक्सीनेशन किया गया, इसके पीछे वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी सैक्रिफाइस है, कितना मेहनत उन्होंने किया। 21 दिन वैज्ञानिक अपने घर नहीं गए, लैब में ही उन्होंने काम किया, उनका कितना बड़ा योगदान। इसी तरह यहाँ जितने भी शिक्षक हमारे बीच बैठे हैं बच्चों, ये सभी शिक्षक वो शिल्पकार हैं जो आपको गढ़ने का कार्य कर रहे हैं। कल आप वैज्ञानिक बनेंगे, लेकिन आपको वैज्ञानिक बनाने की दिशा में आपके टीचर का बहुत बड़ा रोल है। वो आपको आपके स्कूल से यहाँ तक लेकर आते हैं, मॉडल तैयार कराते हैं। आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, जो कौशल आपके अंदर है, उसको निखारने का काम हमारे शिक्षक करते हैं। तो अपने शिक्षकों के लिए मैं चाहती हूँ जितनी जोरदार ताली अपने लिए बजाया था उसे खुद भी ताली। विज्ञान कर्मी है, विज्ञान योद्धा है, क्योंकि 1993 में ये अभियान अपने गोंडा जनपद में शुरू किया था, एक दिया जलाया था विज्ञान का, और तब से हमारे साथ बहुत से शिक्षक कुछ यहाँ उपस्थित है और बहुत शिक्षक यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कहना चाहूंगी। उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से तराशा हमारे जनपद के बच्चों को कि हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल पे पहुंच करके गोंडा जनपद को सदैव गौरवान्वित किया है। बाल वैज्ञानिक के रूप में गोंडा जनपद नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में हमेशा सम्मानित होता रहा, और डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के माध्यम से जब कभी भी स्टेट लेवल प्रतियोगिता हुई तो हमारे गोंडा जनपद का प्रतिनिधित्व इतना सराहनीय रहता है कि सभी लोग कहते हैं कि गोंडा में ऐसा क्या है, वहाँ के शिक्षक कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा ओरेटर होता है, उसकी थीम अच्छी होती है, उसका वर्क अच्छा होता है। तो ये सारी तारीफ किसके कारण हम सभी को मिलती है? आपके कारण। तो पुनः एक बार अपने लिए ताली बजाइए, आप बहुत अच्छे हैं। और आज जो बच्चे यहाँ हमको बाल वैज्ञानिक के रूप में दिख रहे हैं, जो अपने अपने चिंतन को लेकर आए हैं, भविष्य में एक योजना देने वाले हैं, हम विकासशील देश के नागरिक हैं, लेकिन मुझे पता है कि हमारे ये बच्चे जहाँ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आएंगे उभर कर, तो भारत डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में खड़ा होगा और भारत का भविष्य आपके कंधे पर ही होगा। आपको ही भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करना होगा। तो जितने भी छात्र और छात्रा यहाँ हैं, देखिए ये प्रतियोगिता है, तो प्रतियोगिता में एक बाध्यता ये होती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का चयन किया जाता है, ये व्यवस्था है। लेकिन मैं कभी भी किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में नहीं देखती हूँ। मुझे जो अंतिम में बच्चा बैठा है, कहीं भी बैठा है और कहीं इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो नहीं आया, तो
संविधान नागरिक बन के जिस भी पद पर जाएंगे तो हम भारत को अपने विज्ञान के लालच से बहुत आगे बढ़ाएंगे। और जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आए उनसे मैं कहना चाहती हूँ, याद रखो बच्चों, जिनके पास संसाधन बहुत होता है ना, संसाधन समझ रहे हो, रिसोर्सेज, वो बच्चे कभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, है ना। और जो संसाधन विहीन होते, जो संघर्ष करके पढ़ रहे हैं, आर्थिक दर्द झेल रहे हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय में कुछ नहीं है उनके पास, ऐसे बच्चे वो अगर सकारात्मक दिशा में अपने जीवन के निर्माण में लग जाते हैं तो वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। हम चूंकि बॉटनी के, मैं अपने कॉलेज में बॉटनी पढ़ाती हूँ, तो बॉटनी से आपके भविष्य को बता ही देंगे। आज जो गेहूं बोया जाता है ना, उसको बीज के रूप में कोई नहीं रखता है, खाता है। और जब बीज बोना होता है तो पंत नगर के बीज, एंडी यूनिवर्सिटी के बीज बाहर से हाइब्रिड मंगवाते हैं, लेकिन फिर भी पूरे विश्व की जितनी भी लैब है देसी प्रजातियों संग्रह करके रखी है। क्यों? क्योंकि ये टिकाऊ नहीं है, उसी को बार बार अगर हम बोएंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। और जो लाखों साल से पौधे, जो देशी पौधे हैं, लाखों साल से प्रकृति के विभिन्न प्रकार के कहर को झेल करके उन्होंने ऐसे जीनोम अपने आप में डेवलप किए कि वो कभी भी उखड़ते नहीं है। आप गाँव के बच्चे को देखिए, वो धूल से खेलता है, भैंस के साथ गंदे गंदे तालाब को पार कर लेता है, वो बीमार नहीं होता है। और जो बहुत प्रिकॉशन के साथ चलता है, जरा सा मौसम बदला नहीं कि तुरंत सर्दी लग जाती है ना। तो जो बच्चे संसाधन भी है उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि आप कभी निराश मत होइए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। एक दिन आप गोंडा महीने पूरे भारतवर्ष को अपनी कृति से गौरवान्वित करेंगे। यहाँ मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के माध्यम से, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के माध्यम से जिन बच्चों ने जनपद स्तर पर प्रतिभाग किया था, आज जानते हैं बच्चों, वो विश्व के डेवलप्ड कंट्री में अपने भारत में और बाहर भी वैज्ञानिक के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो वो आप भी कर सकते हैं। अरविंद कुमार द्विवेदी को मैं भूल नहीं सकती हूँ, आप जैसा ही छोटा सा बच्चा पार्टिसिपेट करने आया था और ग्रामीण क्षेत्र से, और आज सुनोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। वैज्ञानिक के रूप में उसने इजराइल में सेवा किया 3 साल, और इस समय वो अमेरिका में साइंटिस्ट है। ये एक एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे ना जाने गोंडा जनपद के कितने एग्जांपल हैं। आज तुम इस हॉल पे हो और यही हॉल वन डे विल कम कि आपको पता नहीं कितनी ऊंचाई पर ले जाएगा, और आप अपने देश के, आपके नाम से आपकी कंट्री जानी जाए, आप कहीं जाइए तो आप भारत के हैं ऐसा कहा जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इसलिए अपने ज्ञान का निर्भर करती है। और हमारे जज के पैनल में देखिए, 4 जजेज हैं हमारे पास, जो आपके प्रोजेक्ट के पास जाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपने क्या बनाया है उसकी क्या मौलिकता है, क्यों बनाया है, क्या मौलिकता है, क्या प्रासंगिकता है उसकी, और व्यय कितना किया है, बहुत महंगा है कि बहुत सस्ते में बना लिया। और जो बच्चे थर्माकोल पे बना के लाए होंगे, अगर कोई भी स्टूडेंट थर्माकोल पे बना के लाया है प्रोजेक्ट, को मैं ये सलाह दूंगी कि अगला कार्यक्रम जब कभी भी हो तो किसी भी विज्ञान के प्रोग्राम में आप थर्माकोल से बना कोई भी प्रोजेक्ट ना ले जाएं, क्योंकि थर्माकोल पॉल्यूशन काजिंग मटेरियल है और ये प्रोहिबिटेड है। लेकिन आपने चाहे फिजिक्स पर, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मॉलिक्यूलर साइंस, स्पेस साइंस, कुछ किसी में भी आपने अच्छा प्रोजेक्ट के पैनल में जितने भी निर्णायक बंधु हैं, वो सभी जो स्थिर मॉडल है, जो गतिमान मॉडल है, दोनों मॉडल का मूल्यांकन एक ही क्राइटेरिया में।
देखिएगा बहुत निष्पक्ष भाव से, क्योंकि जो चार जजेज हैं हमारे, हमें लगता है उनका ना कोई रिश्तेदार यहाँ पर होगा और ना ही उनके कॉलेज का कोई स्टूडेंट होगा। तो बहुत प्योरिटी के साथ आपका मूल्यांकन किया जाएगा। मैं आप सभी से परिचय कराना चाहूंगी, आपके जजेस को बताना चाहूंगी कि कौन आज इतनी बड़ी भूमिका में हमारे बीच में है। तो देखिए, पॉलिटेक्निक से हमारे बीच दो लेक्चरर्स हैं, इंजीनियर अभिषेक तिवारी जी। मैं चाहती हूँ एक मिनट सर आप मंच पे आ जाइए ताकि हमारे सभी बच्चे आपको देख लें। हमारे निर्णायक सदस्यों की टीम में अगले सदस्य हैं इंजीनियर आशीष मिश्रा जी, जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से। देखिए, ब्रांच दोनों की अलग अलग है। इंजीनियर अभिषेक तिवारी जी मैकेनिकल ब्रांच से हैं और आशीष मिश्रा जी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं। दो जजेज और हमारे बीच हैं। अब मैं अगले निर्णायक टीम के जो सदस्य हैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, जो एमबीबीएस डिग्री कॉलेज से कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट से हैं। तो देखिए, आपके जजेस के पैनल में आपको इलेक्ट्रिकल से सर दिख रहे हैं, मैकेनिकल से और फिजिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव जी। अगले जज के पैनल में हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार शर्मा जी। डॉक्टर मनीष शर्मा जी आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के। तो जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पर अगर प्रोजेक्ट बनाया है और कोई वर्किंग नहीं है तो वो निराश ना हो, उनके मैथमेटिक्स को समझने के लिए डॉक्टर मनीष शर्मा जी यहाँ पर है। अब हमारे ये चार जजेज आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जजेस के जो पैनल में हमारे सम्मानित निर्णायक गण हैं, ये बहुत अच्छा जजमेंट देंगे। यहाँ जिसका भी सिलेक्शन होगा उसको बहुत बहुत अभी अग्रिम मैं बधाई दे रही हूँ और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो प्लीज निराश नहीं होंगे। तो मैं सर आग्रह हूँ आप उसका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं और ट्रांसफॉर्मर बहुत सारे हुआ सिंगापुर में हमारे जगह में हम पेड़ पौधे लगे हैं।
हमारे पेड़ पौधे इसको इजाफ कर सकते हैं। वैसे नहीं कभी तो हम तो इसका प्रबंधन कर सकते हैं। जल्दी है क्या बना ही और क्या Thank you.
अभियान में मतलब नहीं है।
होगा पता होता है क्या है। हाँ आकांक्षा शुक्ला को कौन यहाँ कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह की दिमाग से यहाँ ट्रांसफार्मर है इस टाइबोर्ड की बैटरी में गया यहाँ हीट जनरेट हुई सर उस हीट को किसने कन्वर्ट किया क्या हुआ सर्किट से सर्किट ट्रांसफार्मर लगा है ट्रांसफार्मर हीट को कन्वर्ट करता है नहीं सर जी बैटरी में गया ना बैटरी हाँ यहाँ पर आपने ऊष्मा ने जलाया तो क्या क्रिएट हुआ ऊष्मा हीट क्रिएट हुई तेजी सेंसर कैसा सेंसर ट्यूबलाइट स्टार्टर है स्टार्टर जो कि स्पीकर हीट को सेंस करेगा पास वो जो पैड भी लगा हमारा सर पैड भी लगा है उसको भी उसको उसमें होगा उसको गर्म करके हमारा बैटरी में कर जाएगा पैड भी लगा हीट भी लगा है सर ये सर जो इसे हम डायरेक्ट सप्लाई वो भी दे रहे हैं इसकी डायरेक्ट मतलब हम इसे दिल में
नहीं चलाना चाह रहे हैं तो इसकी डायरेक्ट सप्लाई को काट कर सीधा बैटरी पर स्टोर कर लेंगे और बैटरी से स्टोर करेगी इसे फिर हम रात को चला सकते हैं और रात को भी काम करता है। और सर ये है एक्सीडेंट कहाँ से यही। अरे
मैंने जो बनाया है उसमें ये कि मतलब अर्थक्वेक वगैरह जैसे बदल रहा है तो बल्कि मैं ज्वाइंट साथ में किया है, अर्थक्वेक आया तो आराम से बचने लगे। तो ऐसे ही कर पाए बेटा, कहीं जब आएगा तब जोरा
दैनिक जीवन में हम देख पाए वाला कि प्यास लगी थी कसा थी लेकिन पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तब भी मर जाते, बस यही जिंदगी भर के मसले हल ना होते, ना नींद पूरी हुई ना पान मुकम्मल हुआ। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। हुनर सड़कों पे तमाशा करता है तो किस्मत महलों में राज करती है, सुबह सुबह उठना पड़ता है जिंदगी कमाने के लिए साहेब, आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर, दौलत की भूख है जिंदगी कमाने निकल गए, दौलत में ये तो हाथ के रिश्ते निकल गए। एक आम इंसान की जिंदगी की पूरी निचोड़ है, ये निचोड़ में वो चीज है जो इंसान ही समझता है। ये बदल देते हैं चित्रकार स्याही से तस्वीर बदल देते हैं और इमाम जावेद खुदा के दोस्त की तस्वीर बदल देते हैं। इन्हीं लाइनों के अब मैं अपने गीत की प्रस्तुति करना चाहूंगा। आरंभ है तो चंद बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की खरीदी तुम गुहार दो, आरंभ है तो चंद बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की खरीदी तुम गुहार दो, आन पान पाने आती जान का बताने आज एक धन उसके पार पे उतार दो, आरंभ है तो चंद बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की खरीदी तुम गुहार दो, आन पान पानिया की जान का बताने आज एक धन उसके पार पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड अभिला पे नंद है गुरु को कहते हो, अभिला पे नंद है गुरु को कहते हो, हर अंधे पुर छोड़ है गुरु रुके नहीं छोड़ गुरु रुके नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी इसी क्रम में मैं
बच्चों को आज एक ऐसा आशीर्वाद दें कि ये अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। श्री राकेश कुमार जी। विज्ञान क्लब गोंडा द्वारा आयोजित इस जनपदीय माया प्रतियोगिता के इस सम्मान समारोह एवं माया प्रेजेंटेशन के अवसर पर विज्ञान क्लब की समन्वयक प्रोफेसर रेखा शर्मा जी, निर्णायक मंडल में शामिल हमारे सभी डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मनीष शर्मा जी, पॉलिटेक्निक से विधायक मंडल में शामिल डॉक्टर इंजीनियर हरसेन तिवारी जी और आशीष मिश्रा जी, आप सभी का इस विज्ञान क्लब के कार्यक्रम में स्वागत है। और प्यारे बच्चे और उनके साथ आए हुए हमारे विज्ञान शिक्षक प्रिंसिपल और उनके जितने भी सहपाठी सभी को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद। वास्तव में इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम आपके अंदर जो वैज्ञानिक सोच है, जो आपके अंदर वैज्ञानिक भाष है, उनको बाहर लाने का प्रयास करें। आज आप एक छोटे से मॉडल के माध्यम से इस हाल में बैठे हुए हैं, लेकिन कल को आप विज्ञान के क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक साबित हो सकते हैं। उसके लिए हमारे शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। वो शिक्षक बधाई के पात्र हैं जिनके विद्यालय से ये बच्चे अपने मॉडल के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमेशा ये एक अनुरक्त प्रक्रिया है। आपको हमेशा इस आशय के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर आज कोई कहता है कि आप अपने ज्ञान का, अपने मॉडल का, अपने सोच का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाइए, तो आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए हमें इस मंच के माध्यम से आह्वान करना है कि जितने भी विद्यालय इस जनपद में है उनकी सबकी प्रतिभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि अगर वो प्रतिभागिता नहीं होगी तो बच्चों के अंदर जो ये मंच प्रदान किया जा रहा है, इसका सोच केवल एक कार्यक्रम करना नहीं है, ये वो मंच है जिसके माध्यम से आप अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, आप अपनी वैज्ञानिक सोच को सिद्ध करेंगे और आप समाज के लिए उपयोगी कोई जल्दी आइए, जीवन मेमोरियल
बैलेंस पूरा करो। मैं कह रहा हूँ इधर आओ। आज विश्वविद्यालय